स्टूडेंट्स हम देख रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन और उसमें हमारा नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमारा एक पैराग्राफ रह गया था तो उसमें आपको बता रहे हैं कि अगर आप एच बी आर और एच सी एल के बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो एच बी आर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर है कम्पेयर एच सी एल उसकी रीजन क्या है क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा है यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है तो इन बेसिस पर आपके पास HPR का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर्ड विद HCL दूसरा आपको बता रहे हैं कि जो ग्रुप फो, जो फोर्थ पीरियड की हाइड्राइड हैं जेरिनियम हाइड्राइड है आर्सेनिक है सेलीनियम आर्सेनिक हाइड्राइड है सेलीनियम हाइड्राइड है, है या हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं किसकी निस्बत थर्ड पीरियड की निस्बत क्योंकि इन सब साइजेस क्या हैं बड़े हैं यानी ये अगर आप पेरोडिट टेबल खोल के देखें तो ये फोर्थ पीरियड की बात हो रही है ठीक है यानी आपने रो में देखना है तो ये सब के सब जो है ये अपने ऊपर वाले मेंबर्स की नस्बत जो है यानी जो थर्ड पीरियड के मेंबर हैं उन सब की नस्बत ये नीचे है इनके साइज बड़े होते जा रहे हैं तो बड़े साइज की वजह से इनकी पोलराइजेबिलिटीज क्या है ज्यादा है जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है ज्यादा है अब हम देखते हैं सेकेंड इसकी जो यूज है वो है सॉलिबिलिटी आपके पास जिन चीजों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी वो सॉलिबिलिटी उनकी आपस में होगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला आपको दिया गया है सी टू एच फाइव ओ एच अब अगर आप इसको डालते हैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व लाइक का कि पोलर चीजें पोलर में और नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में हल होती हैं अब अगर देखा जाए तो सी टू एच फाइव ओ एच आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये पानी में इसलिए सोलेबल होता है क्योंकि इसमें आपको ये ओ OH एच दिखाई दे रहा है ये जो ओ OH एच है ये क्या करता है पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी आपके पास यहाँ पर एच टू ओ सपोज मौजूद है तो आपके पास क्या होगा आपके पास यहाँ पर ये मैं ब्लैक कलर से शो कर रही हूं कि इसकी हाइड्रोजन और इसकी ऑक्सीजन के दरमियान क्या डेवलप हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक 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 एसिड्स एसिड्स में में आपके आपके पास पास क्या होता है एसिड C डबल ओ एच और आपके पास इस साइड पर कोई भी कार्बन की चेन लेंथ कुछ भी हो सकता है ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ये क्या करती है ये वाटर की ऑक्सीजन के साथ क्या डेवलप कर लेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डेवलप कर लेगी बल्कि मैं इसको यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह की फॉर्म में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी इस पर पार्शल नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा पार्शल पॉजिटिव तो इस वजह से क्या होता है कि जब ये बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है तो चाहे इधर कार्बन की चेन हो लेकिन बहुत लंबी चेन अगर होगी तो फिर ये सॉलेबल नहीं होगा लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी पानी में सॉलेबल हो जाते हैं और जो हमारी कोहल है वो भी पानी में सॉलेबल हो जाती है तो ये हमारे पास इसमें आ गया सॉलेबिलिटी का फैक्टर नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस स्ट्रक्चर ऑफ आइस में आप अगर देखें पानी के मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो पानी के मॉलिक्यूल कॉर्नर्स होते हैं और आपके पास के किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो हमारे पास यहाँ पर जो स्टेट्राहीड्रन के चार कॉर्नर्स हैं दो कॉर्नर्स पे जो है वो आ जाएंगी हाइड्रोजन और बाकी दो पर क्या आ जाएंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है यहाँ पर एक कॉर्नर पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इस कॉर्नर पे तो ये आपके पास इस तरह से एक टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म आ जाती है अब हमारे पास पानी जब लिक्विड स्टेट में होता है तब पानी के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इनकी एसोसिएशंस बनती हैं और बार बार ब्रेकडाउन होती हैं लेकिन जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और पानी सॉलिडिफाई होने लगता है तो पानी का स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी उनके स्ट्रक्चर में रेगुलरिटी आना शुरू हो जाती है और क्या होता है कि रेगुलरिटी जब डेवेलप होती है तो हमारे पास पानी जो है वो आइस की शक्ल में फ्रीज हो जाता है और यहाँ पर एम्पटी स्पेसेस जो हैं इसके स्ट्रक्चर में रह जाती हैं इन एम्पटी स्पेसेस की वजह से क्या होता है कि पानी जब फ्रीज होता है तो ये लिक्विड पानी के नस्बत नाइन परसेंट ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ये इसकी डेंसिटी क्या होती है लिक्विड वाटर की नस्बत कम होती है क्यूं? क्यों क्योंकि इसके अंदर खाली स्पेसेस हैं खाली स्पेसेस की वजह से क्या होता है लाइट होती है डेंसिटी इसकी कम होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर फ्लॉट करती है अगर आप किसी ग्लास के अंदर भी पानी डालें और उसमें बर्फ डालें तो बर्फ अंदर डिप नहीं होती बल्कि वो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लॉट कर रही होती है उसकी रीजन क्या होती है कि ये जो आइस है ये कम भारी होती है इसकी डेंसिटी कम होती है कंपेयर्ड विद वाटर और आइस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डायमंड की तरह है जिसमें एक कार्बन जो है कार्बन एटम सेंटर में होता है और उसको मजीद तीन कार्बन uh, एटम्स ने सराउंड किया हुआ होता है जैसे आपके पास एक टेट्राहेड्रन का स्ट्रक्चर होता है जैसे आप यहाँ पर ऑक्सीजन को देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सेंटर में इस तरह सेंटर में कार्बन होती है और उसको बाकी कार्बन ने सराउंड किया हुआ होता है अब इसका फायदा क्या इसका फायदा हमारे पास ये है इस लो डेंसिटी की वजह से कि जब हमारे पास पानी फ्रीज होता है किसी लेक वगैरह में या में, तो पानी फ्रीज होने पर क्या करता है जीरो डिग्री uh, पे आपको पता है कि पानी फ्रीज कर देता है इसका मतलब है कि ये वो टेम्परेचर है जिसपे पानी फ्रीज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा ऊपर आइस की ये क्या बन जाएगी सरफेस बन जाएगी किसी भी में और नीचे आपके पास क्या मौजूद रहेगा आपके पास नीचे वाटर जो है वो एज इट इज मौजूद रहेगा रहेगा अब उसकी क्या रीजन है कि नीचे आपके पास यहाँ पानी मौजूद और ऊपर आपके पास जो है वो आइस की एक लेयर बन गई है उसकी क्या रीजन है कि जैसे जैसे आपके पास बाहर की एटमोस्फेयर ठंडी होती जाती है वॉटर जो सरफेस पर है वो आहिस्ता आहिस्ता किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है आइस में और आइस में वरट होने का मतलब क्या है वो लेस डेंस होता जाएगा लेस डेंस वाटर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस स्टेज ऑन द टॉप ऑफ स्लाइटली वार्म वाटर अंडरनीथ यानी ये जो यहां पर एक पूरी लेयर बन जाएगी क्या करेगी इस पानी की निस्बत इस ऊपर वाले का टेम्परेचर क्या है कम है ये ऊपर क्या होने लग जाएगा जमने लग जाएगा ठीक है जब ये मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो जाएगा तो ये आइस क्या करेगी इंसुलेट करेगी नीचे वाला जो पानी है उसको ये क्या करती है जमने से बचा लेती है तो इससे क्या होता है कि आपके पास सिर्फ ऊपर वाली सरफेस पे बर्फ जमती है जबकि नीचे आपके पास पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और इसकी वजह से जितनी भी एकटिक लाइफ है वो नीचे बासानी सर्वाइव कर सकती है तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कई जगहों पे बहुत ठंडा टेम्परेचर भी होता है लेकिन इक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रही है एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले Next, we have cleansing action of soaps and detergents. सोप एंड डिटर्जेंट्स जिनको हम यूज करते हैं क्लिनिंग परपजेस के लिए उनका भी जो रोल है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है रीजन क्या है कि आपके पास जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं उनका कुछ पार्ट क्या होता है पोलर वो जो उनका पोलर पार्ट होता है वो क्या करता है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवेलप कर लेता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेगा तो वो पार्ट क्या होगा पानी के अंदर सोलेबल होगा और जो उसका नॉन पोलर पार्ट होता है है डिटर्जेंट्स वगैरह का वो वो क्या रहता है? वो पानी से बाहर रहता है और उसकी रीजन क्या है क्योंकि उसके अंदर एलकाइल या बेंजाइल पोर्शन होते हैं या आप आगे चल के देखेंगे अल्काइल या बेंजाइल क्या होता है फिलहाल एलकाइल और बेंजाइल यानी ये इसका ऑर्गेनिक पार्ट है जो कि नॉन पोलर है जो कि पानी के अंदर क्या है इनसॉलेबल है तो ये अपने साथ फैट या इस किस्म के जो भी चिकनाई के मॉलिकूल है उनको अपने साथ ग्रीस को अलग कर लेगा और जो आपके पास पानी के साथ सोलबल पार्ट है वो क्या करेगा वो नॉन पोलर पार्ट के साथ मिलके झाक सी बना देगा और आपका जो क्लिनजिंग एक्शन है वो कम्प्लीट हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स बायोलॉजिकल कंपाउंड यानी हमारी जो लिविंग सिस्टम्स हैं उनमें आप सबको पता है कि प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिटूंट हैं और फाइबर्स जो हमारे हेयर सिल्क और मसल्स वगैरह पाए जाते हैं उनके अंदर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं अब ये अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और फिर आपके पास प्रोटीन बनती है आपने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं कि आपके पास पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी फिर टर्सरी तो वो बेसिकली उसमें क्या इन्वॉल्व है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है ये जो लॉन्ग चेन बन रही है क्वाइलिंग हो रही है अमाइनो एसिड्स की आपस में वो किस वजह से हो रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही है जब वो क्वाइल होते हैं तो एक स्प्रिंग की तरह की शक्ल बनाते हैं उसको आप स्पाइरल कहते हैं स्पायरक्स स्पायरल को आप दूसरा नाम क्या कहते हैं हेलिक्स कहते हैं हेलिक्स आपका राइट right हैंडेड भी हो सकता है लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है अब इसमें कौन से ग्रुप इन्वॉल्व है इनमें बॉन्डिंग डिवेलप होगी बिटवीन सी डबल बॉन्ड ओ और एनएच फिगर की हेल्प से देखते हैं यह आप देख सकते हैं ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया है, यह आपके है? एक अमाइनोनए और सी डबल बॉन्ड ओ एक की ऑक्सीजन अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपको क्लियर होगा के जो दरमियान में लाइन शो की गई है वो डॉटेड शो की गई है ये वाली ठीक है तो आप ये देख सकते हैं कि एन एच सी डबल बॉन्ड ओ इधर से एक और इधर से आपके पास क्या है ये दूसरे वाला है ये क्या कह रहे हैं आपस में इनकी ये जो ये वाली बॉन्डिंग है ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसी की वजह से ये जिसका स्पाइरल लाइक क्वाल लाइक स्ट्रक्चर है वो इसी की वजह से क्या है मेंटेन हुआ हुआ है ठीक है इसके अलावा अगर आप इसकी बात करें अपने डीएनए की डीएनए आपको पता है डबल हेलिक्स होता है ये दो हेलिक्स हैं तो इनमें आपको पता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उनके दरमियान डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है किसको शो कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रही है और आप सब जानते हैं कि डीएनए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो यहां पर आपके पास बता रहे हैं कि जो डीएनए है उसमें दो स्पाइरल्स होते हैं क्वाइल किसकी वजह से हुए हुए होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है फूड मटेरियल्स की अगर आप बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ग्लूकोज है फ्रुक्टोज सुक्रोज तो इन सब के अंदर क्या होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनमें क्या प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है सिक्स so हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट डाइज एंड टेक्सटाइल मटीरियल तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि पेंट और डाइस की सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एडहेसिव एक्शन यानी जिस सरफेस पे आप लगाएंगे उसके साथ एडेयर कर जाती हैं चिपक जाती हैं दिस प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी की हेल्प से ग्लू और हनी से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है इसके अलावा कॉटन सिल्क या कोई भी सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स फाइबर जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं क्लोथिंग या किसी भी इस तरह के पर्पजेस के लिए तो उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है थ्रेड मेकिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिडिटी एंड एंड साइल स्ट्रेंथ नहीं आपका धागा कितना मजबूत है कितना सख्त है ये किस पे डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है इट मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारी डेली लाइफ में आप उसकी कई एग्जाम्पल देख रहे हैं आपकी कई तरह के जो सेंथेसिस हैं उन सब में क्या इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिना जो है वो इन्वॉल्व है